नेशनल लोकदल पार्टी का है, उसके लिए मुहिम शुरू करेंगे। इस मुहिम को शुरू करने से पहले हम अपनी पार्टी के संगठन को गांव के सतह पे लेकर के जाना चाहेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक नारा दिया था, एक बूथ और 10 यूथ का, और चौटाला साहब ने संगठन को किस तरह से देश के अंदर अपने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाया। एक ऐसा समय था, कहीं कोई 4 राजनीतिक व्यक्ति जब इकट्ठा होते थे तो इस बात को लेकर के चर्चा करते थे कि आज अगर देश के अंदर किसी राजनीतिक दल का संगठन सबसे ज़्यादा संगठित है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा अनुशासित है, तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और उसी संगठन के बलबूते पे सन 2000 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 48 सीटों पे जीत दर्ज करा के और इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया था। उसके बाद हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से हथकंडे अपनाए गए, हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी योजनाएं बनाई गई। जहां इन लोगों ने हमारे संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया, कोशिश करी, संगठन को कमजोर किया, वहीं आज इस किस्म के हालात इस प्रदेश में है कि जिन लोगों ने आपके बीच में सत्ता में आने पर रुकावट पैदा करी थी, आज वो लोग हाशिए पे आके खड़े हो गए। आज ऐसे हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य ना तो किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते, यहाँ तक भी किसी के दुख में शामिल होने में भी आज उनको कठिनाई आती है, आज उनके सामने दिक्कत आती है, क्योंकि उन लोगों ने फैसले इस किस्म के किए, इससे प्रदेश के आम वर्ग के लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, और लोगों ने फैसला कर लिया कि हम सत्ता में बैठे लोगों को तब तक किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे जब तक कृषि के तीनों काले कानून वापिस। लाल का नाम लेकर के प्रदेश में 10 सीट करके सत्ता में शामिल हुई थी, आज उसकी हालत भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा खराब है। आज उस पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि मैं जेजेपी का पदाधिकारी हूं। अगर गलती से कोई कह दे तो फिर पीछा छुटाना मुश्किल हो जाता है। आज कोई सरकार में, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, आज हरियाणा लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग उसको नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज लोग जेजेपी बीजेपी को छोड़ करके फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जहां इन दोनों पार्टियों से लोग पीछा छुड़ा करके आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस की दाल भी आज जूतियों में बट रही है। कांग्रेस के लोग आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आज कांग्रेस ही बटे हुए हैं। हुड्डा चाहता है कि कांग्रेस तेरे हाथ में सारी की सारी हो, तू अपनी मर्जी से प्रदेश की कांग्रेस को चलाए। शैलजा कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो कांग्रेस पे काबिज रहना चाहती है। सुरजेवाड़ा आज राष्ट्रीय इनका महासचिव बना हुआ है, वहीं जहां महासचिव है वहीं सोनिया का सलाहकार भी है। हुड्डा तो शैलजा को कुछ नहीं समझता, शैलजा उसको कुछ नहीं मानती, सुरजेवाला इन दोनों को कुछ नहीं समझता। कांग्रेस बटी हुई है, लड़ रही है। जहां कांग्रेस में विवाद है साथियों, आज कांग्रेस के लोग भी आपकी पार्टी की तरफ, आपकी पार्टी में शामिल होकर के आपकी ताकत बढ़ना चाहते हैं। आप थोड़ी जगह दे दोगे इनको,
थोड़ा सा बैठकर पीछे लोग जहाँ साथियों इस किस्म के हालात हैं आज। आज हर व्यक्ति आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, वह ये भी मान के चलो आने वाले वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके नेता के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा कराई थी। देर तो है पर अंधेर नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो षड्यंत्र के तहत जेल में गए थे, वो तो 10 साल की काट के घर वापिस आ गए। लेकिन मुझे लगता है जब हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा तब हालात और किस्म के होंगे। हर हालत में जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इसके खिलाफ जो मुकदमा है उस मुकदमे में गवाह की जरूरत नहीं है। साथियों जिस दिन हुड्डा 40 सीट हुआ था मुझे उस दिन न्यायिक चीज याद आई थी। चौटाला साहब को जब सजा सुनाई गई थी उसके चंद दिन बाद असेंबली का सेशन था। हम लोग असेंबली में आए, कांग्रेस के लोग जो है कहीं हमारी पार्टी के लोगों पे कटाक्ष कर रहे थे, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। जहाँ हमारे पे कटाक्ष कर रहे थे वहीं हमारी पार्टी के विधायक जो थे उस वक्त के वो कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी मान रहे थे कि आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को सजा कराई। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में खड़ा हुआ और उसने मेरे से कहा कि अभय सिंह जी आप अपने विधायकों को समझाओ कि इस विवाद में ना पड़े, सेशन से सजा हुई है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, आप कोई अच्छा वकील करो, केस की पैरवी करो ताकि इस केस से आपको कल आने वाले समय में छुटकारा मिल सके। उसने भी कटाक्ष किया था, मैं उसकी बात तो समझता था कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हालात ऐसे थे वो सत्ता में थे, उनके पास बहुमत था, स्पीकर उनकी मर्जी से हाउस को चलाने का काम कर रहा था, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 सीट हुआ उसी दिन अखबार में अगले दिन एक खबर छपी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और कोर्ट ने उनकी चार्जशीट को स्वीकार कर लिया। साथ में ये खबर भी छपी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैंने हुड्डा साहब को फोन लगाया, मैंने कहा अखबार में खबर है आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कहने लगे मैंने टेस्ट कराया था पॉजिटिव आ गया। मैंने पूछा कहाँ हो, कहने लगा मदानता में। मैंने कहा सही जगह पे पहुंच गए, अच्छे डॉक्टर हैं, शायद इस कोरोना से तो बच जाओगे लेकिन अच्छा वकील जरूर कर लेना। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छे वकील की आपको जानकारी ना हो तो मैंने 10 साल लगातार चौटाला साहब के मुकदमे को लेकर के सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों के साथ जाकर के केस में उनसे चर्चा की है। कौन सा अच्छा है इसके बारे में जरूर समझो तो मुझसे पूछना, बता भी दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कोरोना से बच जाओगे, इस मुकदमे से नहीं बचोगे। तो साथियों कांग्रेस तो इसके जेल में जाने के बाद और बिखर जाएंगे। आज की तारीख के अंदर इस किस्म के हालात हैं कि लोगों की निगाह केवल और केवल आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर है। आज जहां आपने संगठन जोन के सदर पे खड़ा किया है, मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हमें ग्राम के पंच के वार्ड के ऊपर ले जाना है। चौटाला साहब ने नारा दिया था एक बूथ 10 यूथ, हम इसको वार्ड के सत्र पे लेकर ले जाएंगे। किसी गांव के अंदर 6 वार्ड है, किसी गांव में 10 वार्ड है और किसी गांव में 20 वार्ड है, किसी में 12-15 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 वार्ड का गांव
और कम से कम जो है 6 वार्ड का दान है। हर वार्ड के अंदर 200 से 225 के करीब वोट होते हैं, इससे ज्यादा वोट नहीं है। कितने वोट होंगे? ज्यादा है, मुश्किल से 200 वोट है। हमारे पास 16 प्रकोष्ठ है, हमारे पास अलग अलग 16 प्रकोष्ठ है। अगर हम जिला में प्रकोष्ठ की टीम को, अगर हम जोन के सत्र पे अपने प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बना सकते हैं, तो फिर हम गांव के पंच के वार्ड के ऊपर अपने प्रकोष्ठ का एक प्रधान भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अगर आप गांव के अंदर जहां पंच का वार्ड है, उस एक वार्ड में 16 प्रकोष्ठ में एक एक व्यक्ति को अगर प्रधान बनाओगे तो 16×5=80 वोट हो गए। जब 80 वोट के मालिक आपकी पार्टी बन जाएगी एक पंच के वार्ड में, 40% से ज्यादा वोट आपका अकेले का हो जाएगा, तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो आपकी पार्टी जिस किसी को उम्मीदवार बना करके भेजेगी वो 100% विधानसभा और लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि संगठन मजबूत हो और संगठन के अंदर अच्छे लोगों को जोड़ा जाए। संगठन के अंदर ऐसे लोगों को कभी ना लिया जाए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जिम्मेवारियां सौंपो जिन्होंने आपके पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम किया है। ये हो सकता है कि आदमी संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो लेकिन उसकी नाराजगी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हमारे पार्टी के पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि संगठन जब बनाए उस वक्त किसी साथी को इस बात के लिए इग्नोर ना करे कि इसके उसके मेरे संबंध ठीक नहीं है। पार्टी पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। अगर आप अच्छा संगठन खड़ा कर लोगे, आप अगर पंच के वार्ड के सत्र तक अपना संगठन बना दोगे, जैसे आपने इस 10 दिन के अंदर अपने जिले के सारे संगठन को खड़ा करने का काम किया है, इसी तरह अगर अगले 15 दिन में, मैं समझता हूँ काम का बहुत बड़ा समय, आज धान की बिजाई चल रही है, अगले 10 दिन बहुत पीक पे है, लेकिन वहाँ जहाँ इस काम के अंदर लोग व्यस्त हैं वहाँ हमें भी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों तक 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का निकाल कर दिन में 2-2 गांव कवर करके अपने संगठन को ताकतवर बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस काम को आखिरी मुकाम तक ले जाने में 15 दिन लगातार मेहनत करेगा। करोगे इसके लिए मेहनत? इस काम को मजबूती के साथ करोगे, वहीं हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को हर साल 25 सितंबर को हम चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से इस कोरोना की महामारी की वजह से हम उनके जन्म दिवस को जितना बड़ा आयोजन करके मनाया करते थे मना नहीं पाए। अब की बार लगता है परमात्मा की मेहरबानी रहेगी, कोरोना काफी कमजोर पड़ता जा रहा है, हो सकता है सितंबर तक कोरोना जो है और ज्यादा कमजोर हो जाए। हमें उनका जन्मदिवस मनाने में किसी किस्म की रुकावट ना आए ये परमात्मा से प्रार्थना करें। अगर हालात ठीक रहे तो फिर अब की बार चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को बहुत बड़े सत्र पे मनाने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस की जिम्मेवारी भी संगठन के साथियों के जिम्मे लगाएंगे।
हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंचों के वार्ड हैं उनकी संख्या कितनी है पता है? 60,600 कुछ पंच के वार्ड हैं, गिनती बहुत बड़ी है। लेकिन साथियों, अगर पंच के वार्ड के सदर पे हम अपने संगठन को खड़ा कर लेंगे तो फिर चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर हमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर एक पंच के वार्ड से 5 सदस्यों को लेकर के चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में पहुंच जाए तो फिर उनकी गिनती 3,00,000 से ज्यादा बनती है। 3,00,000 लोग जब इकट्ठा होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश का मीडिया नहीं, देश का मीडिया ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा की 10-10 सीट जीतेगी और विधानसभा की 90 सीट पे कब्जा करेगी। क्योंकि आज हालात आपके फेवर में है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज अगर हम उनके पास जाएंगे तो 100% वो लोग आपकी पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ने का काम करेंगे। हमारे यहाँ का एक लड़का है विकास जून नाम का है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तिरंगे झंडे को लेकर गए, वहां झंडा लहराने के विवाद में वहां के अपना झंडा लहरा रहा था, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। हमें अधिकार है हम अपने देश का झंडा कहीं पे भी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को उसको लहरा सकते हैं, अपने झंडे को अपने घर के ऊपर बांध सकते हैं, हम उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार को शायद ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस नौजवान को जेल में बंद कर दिया। हमारी केंद्र की सरकार ने उसकी पैरवी करने की बजाय आज जेल में बंद है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से केंद्र की सरकार को लिखेंगे कि इस बच्चे की पैरवी की जाए और इसे तुरंत रिहा करा करके देश भेजा जाए। मैं बात कर रहा था आपसे संगठन की कि साथियों, अब आपने समय निकालना है और समय निकाल करके अगले 15 दिन के अंदर अंदर प्रधान जी विशेष रूप से आपसे आग्रह, आप जो दोनों तीनों जिन लोगों की हमने यहाँ पे जिम्मेवारी लगा रखी, अब हर रोज 2-2 गांव हर हल्के के, ये नहीं कि आप एक हल्के के 2 गांव करो, हर हल्के के 2-2 गांव करोगे ताकि उन गांव में जाकर के इसको पंच के सत्र के ऊपर इसको संगठन को खड़ा करोगे और 15 दिन के अंदर पूरे जिले के अंदर अपने संगठन को गति दे करके एक नई लाइन खींचने का काम करोगे, एक नया मैसेज देने का काम करोगे ताकि जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं जो हमें खत्म करना चाहती थी वो लोग तो आज अपने आप धरातल पे आ गए, आज उन लोगों के हालात अपने आप खराब हो गए, बिगड़ गए, आज लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यक्रम सितंबर के पहले सप्ताह से बढ़वाऊंगा, अभी कुछ गर्मी ज़्यादा है, कुछ उनकी उम्र का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मौसम बदलेगा तो उनके कार्यक्रम पड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि जब चौटाला साहब के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कार्यकर्ताओं से मिलने के बने तो फिर इस धर्मशाला के इस यहाँ बैठे आज मीटिंग करें इसमें नहीं, बल्कि बाहर जो आपका ग्राउंड है इस ग्राउंड के अंदर भी पैर रखने को, तिल फेंकने को जगह ना मिले, ताकि प्रेस के लोग ये बात खुल करके लिखें और कहें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब कार्यक्रम प्रदेश के अपने साथियों से मिलने के बनाए तो प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर सत्ता पे काबिज होगी, फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नहीं करोगे दफ्तर में आ जाओ, वहाँ चाय भी पिलाऊंगा, साथ में बात भी हो जाएगी आपसे।
ये दफ्तर में आके यहाँ ये तुम्हें बात थोड़ी करने देंगे। खेल मंत्री का और उप मुख्यमंत्री का काला झंडा दिखाकर विरोध करते हैं, अम्बाला की मेयर की गाड़ी के आगे किसान रोक लेते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? अगर किसान की बात को नहीं सुना गया, अगर तीन कृषि के काले कानून वापस नहीं लिए गए तो मैं ये कहता हूँ कि केवल काले झंडे दिखा कर के विरोध की बात नहीं, आने वाले समय में लोग जो हैं जिस ढंग से अबोर के MLA के साथ सलूक किया उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक इनकी सरकार में बैठे लोगों के साथ कर सकते हैं। लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। जब पूरे प्रदेश के किसान ने फैसला कर लिया कि सत्ता में बैठा व्यक्ति कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ना करे, जानबूझ करके वो छेड़खानी करते हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनका परेशान करने का प्रयास करते हैं, अगर ये इस तरह से परेशान करेंगे तो फिर इनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। 4 महीने से विशाल जूत ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है, 4 महीने से विशाल जूत लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है, तो लगातार जो 36 बिरादरी है उसकी रिहाई के लिए मांग कर रही है सरकार से। मैंने भी आपके सामने अभी कहा कि हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि उस नौजवान को तुरंत वहाँ से रिहा करवा करके उसको इंडिया ला करके उसका सम्मान करना चाहिए। गृह मंत्री खुद कमजोर हो गया, इसलिए शायद उसको लगता है कि आंदोलन कमजोर है। अगर उसको आंदोलन कमजोर लगता है तो फिर गृह मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाए, उसको लोग इस बात का एहसास करा देंगे कि आंदोलन कमजोर है या मजबूत। 2014 में अनिल विज ने शर्टें उतारकर पेट्रोल महंगाई के खिलाफ धरना दिया था कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे ऐसे। इन लोगों को थूक के चाटने की आदत है। देवीलाल जी की जयंती, ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तब नौटंकी करते हैं, सत्ता में आकर के लोगों को परेशान करते हैं। देवीलाल जी की जयंती के लिए इस बार क्या कुछ खास तैयारी है? चौधरी देवीलाल जी की जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। हम अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उनकी जयंती मनाई जाए। अगर इनेलो की सरकार आती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? आम जनता के लिए पहले आप सरकार बनाओ, उसके बाद बताऊँ। ये थे अभय सिंह चौटाला जो यहाँ पर पहुँचे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विशाल जूट की जो रिहाई है उसके लिए पार्टी लेटर लिखेगी, पत्र लिखेगी, जिसके बाद अब उसकी रिहाई की मांग करेगी। करनाल से KC आर्या, पंजाब केसरी टीवी।